नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब हम डाइट को शुरू करते हैं, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, तो क्या क्या हीलिंग क्राइसिस हमारी बॉडी में आती है। आज हम इस पे बात करेंगे। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरी बॉडी में किसी भी प्रकार का हीलिंग क्राइसिस नहीं आया था। कुछ चीज़ें बॉडी में बदलाव हुई थी, ठीक है, जिसको समझने की ज़रूरत थी। बस जो बदलाव आए थे शुरू में, जैसे ही मैंने डाइट को शुरू किया तो मेरा जितना भी फैट था, एक तो मैं ऑलरेडी पतला था, जितना फैट था सारा निकल गया और दिखने में बिल्कुल एकदम पतला हो गया। मैं पूरी हड्डियां नज़र आने लगी हर जगह की, और जो भी देखता था, यार दोस्त मित्र, वो सभी जो है उस वक़्त टोकते थे कि क्या कर रहे हो। लेकिन जब डाइट को मैंने शुरू किया तो मेरी एसिडिटी, गैस की समस्या, पेट साफ होने की समस्या, और 15 दिन बाद थायराइड की दवाइयों को कम करना शुरू कर दिया, और तकरीबन 1.5 महीने में सब कुछ, दवाइयां सारी बंद। दवाइयां तो पहले दिन से ही बंद कर दिया मैंने, थायराइड वाली गोली को छोड़ के। अब मैं एक तरफ देख रहा हूँ फ़ायदे कि मेरे को तो इतने सारे ये सारी चीज़ें मिल गई है, तो मैं लोगों की बातों को क्यों सुन रहा हूँ। लोग कह रहे हैं भाई तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम पतले हो गए हो, तो मैं क्यों देख रहा हूँ उनको। जब एक तरफ मुझे तो सब कुछ मिल गया तो मैं ऐसे बंदों की बातें सुन क्यों रहा हूँ। इनकी सुन के मान लो मैं इनके इन्फ्लुएंस में आ जाता हूँ, इनके चक्कर में पड़ जाता हूँ और इनके कहे मुताबिक करता हूँ, फिर से वही गंदा भोजन, गलत भोजन जो शरीर को बीमार करने वाले, वही खा पी के, दूध दूध पी के एकदम फिर से हो जाता हूँ, तो बीमारियाँ तो सारी फिर से आ जाएंगी। अभी 1.5 महीना ही तो हुआ है डाइट को शुरू की, वो तो फिर आ जाएंगी ना। तो मैंने ऐसे बंदों को काटा मार दिया और ऐसे बंदों को मैं ठोक के जवाब देना शुरू कर दिया। और जवाब क्या होता था कि भाई साहब, बीमारी जो है ना मेरे शरीर में आएगी, तुम नहीं झेलोगे, वो जो तकलीफ़ होगी ना वो मैं ही झेलूँगा, मुझे ही झेलना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे ये हिदायत मत दो, सही और गलत क्या है वो मुझे पता। इवन कि उसके बाद जब मैं जुलाई में यूट्यूब पे वीडियोस करने लगा, कई बंदे वहाँ पे भी आके कमेंट करते थे, डांट के भगा देता था मैं, स्ट्रिक्ट था पूरा इस मैटर में, क्योंकि वो चीज़ मुझे दिख रही थी, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, ठीक है। फ़ायदा तो मुझे साफ साफ तुरंत, जैसे ही डाइट को शुरू किया वैसे ही फ़ायदा मिल गया, मेरी एसिडिटी, गैस, कब्जी चली गई और थायराइड की गोलियां भी बंद हो गई, और उसके बाद मैं एकदम मस्त रहने लग गया, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है, विचार पॉजिटिव हो गए, ठीक है, एनर्जी पूरी आ गई। पतला ज़रूर था मैं, पतला था, हड्डियां भी दिख रही थी पूरी पूरी, पता है मुझे। लेकिन मुझे पता था कि आगे चल के इस शरीर को मैं किसी भी रूप में ढाल सकता हूँ। आगे जब ये पूरा शरीर मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक एकदम बढ़िया हो जाएगा ना, मैं इस शरीर को किसी भी रूप में ढाल सकता हूँ। और आज वो इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं, कल मैंने एक्सरसाइज की वीडियो भी डाली है, तो वो इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं पहले और आपके बीच में। वो कॉन्फिडेंस जो मुझे वहाँ नज़र आ रहा था, अब वो सही साबित हो रहा धीरे धीरे। तो बिल्कुल सही था मैं, बिल्कुल करेक्ट था मैं। तो इस तरह से सबसे पहली हीलिंग क्राइसिस तो यही आएगी और लोग खड़ा करेंगे हीलिंग क्राइसिस। अब अगर आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए तो आप जो है ज़िंदगी में आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके चक्करों में आगे अगर आप गलत खान पान फिर से करने लगेंगे 1.5-2 महीनों के अंदर ही, तो आपकी प्रॉब्लम तो ठीक होगी नहीं, ठीक है। लेकिन जब दोबारा कभी आप सोचेंगे ये डाइट करने के लिए, तो आप 100 बार सोचेंगे कि करूं कि ना करूं। डाइट करने के बाद तो यार हड्डियां दिखने लगती है, पतला हो जाता है बंदा एकदम से, ठीक है, एनर्जी नहीं रहती और पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लग जाएंगे, तो उस टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके प्रति
आपके जो विचार है वो नकारात्मक हो जाएंगे, यार नेचुरोपैथी गलत है, प्रकृति से जुड़ना गलत है, ठीक है, आपके जो, क्योंकि इस तरह के नकारात्मक विचार आने लग जाएंगे कि यार मैं लोगों को कैसे हैंडल करूँगा, लोग बोलेंगे, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको ही करेक्ट करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा इश्यू है। मैं पिछले एक साल से, एक डेढ़ साल से देख रहा हूँ लोगों को, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स में लोग इसी चीज़ की बात की चर्चा करते हैं कि सर बहुत पतला हो गया और लोग बहुत टोकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ, फिर अच्छे से एकदम मोटिवेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लोगों को झाड़ दो, बता दो इस तरह जो चीज़ मैंने की है, ठीक है, क्योंकि मुंह पे जवाब दे दो कि बीमारी मेरे शरीर में आएगी, आप नहीं झेलोगे, ठीक है। तो अच्छे से मोटिवेट कर देता हूँ और वो लोग फिर जो है इस डाइट को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगली जो चीज़ है, देखिए जब आप ये चीज़ें खाते पीते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या है कि मैं देखता हूँ मिलेट, कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है, मिलेट खाते हैं। अब मिलेट इतनी साफ़ सुथरी चीज़ है और शरीर में इतनी गंदगी जमी हुई है तो उल्टी होना ही होना है, ठीक है। तो सबसे पहले एनिमा लेके आप अपनी आंतों को साफ़ कर लो, ठीक है, ग्रीन जूस लो, पूरा पूरा दिन जो है ये सारी चीज़ें खाओ और रात में एक टाइम जो है मिलेट खाओ, ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। उल्टी हो जाती है लोगों को, ग्रीन जूस से भी उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो देखो उल्टी होना कोई गलत बात नहीं है, क्यों उल्टी हो रही है, कुछ जब आपके पेट में कुछ गलत चीज़ पड़ी रहती है ना तभी ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है, कुछ गलत चीज़ पड़ रहेगा तभी ऊपर आने की कोशिश करेगा, तभी उछलेगा, ठीक है। अब जैसे हम दूध पीते हैं, ठीक है, लिफाफे वाला दूध जो मार्केटों में मिलता है उसको पियोगे तो उछलेगा ऊपर ऐसे। और वहीं मैंने अभी डेढ़ महीने पहले गाँव गया था, मैं एक एक लोटा दूध पीता था, मम्मी उधर से लगा के ले आती थी तुरंत, एक लोटा दूध पीता था साला पानी की तरह पच के निकल जाता था आधे घंटे में। और वहीं यहाँ का लिफाफे का दूध पियो तो साला उछलता रहता है पेट में जाके, ऐसे ऐसे उछलता रहेगा ऊपर, ठीक है, डकारें आएंगी और वो क्या एसिड बनाता रहेगा। तो वो गलत चीज़ है, ठीक है, गलत चीज़ पेट में जाएगा तो उछलेगा, उछलने का क्या अर्थ है, वो बाहर आना चाह रहा है, ठीक है, अब नीचे से तो नहीं जाएगा, ऊपर 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 से बाहर से निकलने की कोशिश करता है। तो शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये गलत चीज़ को निकालने की बाहर करता है, ठीक है। तो जब आपको एसिड कोई बना रही है कोई चीज़, दैट मीन्स वो गलत चीज़ डली हुई है। तो इस तरह से उल्टी जो है आने का अर्थ है कि आपके शरीर में ऑलरेडी गंदगी जमी हुई है और वो ऊपर बाहर से निकलने की कोशिश कर रही है। लूज मोशन भी लग जाता है इसमें, ठीक है, आप लूज मोशन को फेस करेंगे, आपका लूज मोशन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, जब आप अच्छी चीज़ें डालते हैं ना तो शरीर क्या है कि सफाई करने लगता है, ठीक है, ये आपकी इंटेस्टाइन कॉलन साफ़ करने लग जाएगा। अभी कैसे, मैंने आपको तीन चार दिन पहले एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरीका से, उन्होंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा मेरे पास और अपना 150 दिनों का जूस फास्टिंग का एक्सपीरियंस बताया। वो कहते कि जी मेरा तो 150 दिनों तक साला इंटेस्टाइन में इतनी गंदगी जमी हुई थी, कॉलन तो छोड़ो इंटेस्टाइन जो है छोटी आंत जो है उसमें इतनी गंदगी जमी हुई थी, 150 दिनों तक गंदगी निकलती रही, सोचो। तो इस तरह से लूज मोशन भी आपको इसमें हो सकता है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं, ठीक है, आप जब ये जो है इस डाइट को अपनाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत हेडेक भी हो जाए, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बीपी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आप जैसे डायबिटिक हैं और इस भोजन को खाने लगेंगे, अब उधर से आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं और भोजन भी ये कर रहे हैं, ये भोजन तो अपने आप में ही दवाई है। मान लो आप डायबिटिक हो, अभी तीन चार दिन पहले एक भाई साहब का मेरे पास फ़ोन आया, वो कहते कि जी मेरा शुगर रह रहा है 600-700। तो मैंने बोला आप 100% सलाद पे आ जाओ, ठीक है, किसी दवाई की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सलाद खाओगे तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तभी ना आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे कि आप चीनी ले लो या फिर गेहूँ ले लो, चावल ले लो, ठीक है, दालों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें खाएंगे तभी ना आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप जब खा ही सलाद रहे हैं तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको, आप अगर दवाइयाँ भी ले रहे हैं और इस तरह का भोजन भी ले रहे हैं तो होगा क्या, आपका जो शुगर है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का है, इस चीज़ में भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो है दवाइयाँ
जो है उसी मुताबिक लेना पड़ेगा जितना आपका रीडिंग आया। ठीक है, आप सलाद खाएंगे तो आपको आवश्यकता ही नहीं है किसी प्रकार की दवाई, किसी प्रकार की इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, इंसुलिन की ज़रूरत तब पड़ेगी। देखिए उसमें उन्होंने बोला कि डॉक्टर कहता है कि इंसुलिन लेना है तो खाना ज़रूर खाना है, ठीक है, रोटी ज़रूर खानी है। अब इंसुलिन लोगे तो वो तो इतना ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, तो उसको थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट वो कहता है खाओ। ठीक है, सो इसलिए जब आप खाओगे ही सलाद तो आपको ज़रूरत ही नहीं है दवाई की, ठीक है, ना इंसुलिन की ना उसकी। ठीक है, तो इस तरह की ये सारी हीलिंग क्राइसिस आती हैं। ठीक है, अब एक बात और है, ठीक है, आपकी बॉडी को कौन सा फ्रूट कौन सा सलाद सूट कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है फ्रूट भी ना अच्छा लग रहा हो आपको, हो सकता है सलाद भी ना अच्छा लग रहा हो। ठीक है, फिर आप मिलेट पे आ जाओ, बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, लेकिन आपको रॉ डाइट तो करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ एटलीस्ट 50% तो रखना ही पड़ेगा। 100% रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, सुपर डुपर। अगर 100% रखते हैं रॉ डाइट, नहीं रख पा रहे हैं तो आप मिलेट जो है उसमें शामिल कर लो। ठीक है, एक टाइम रात को मिलेट खा लो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही तो दो टाइम कर लो एटलीस्ट। मॉर्निंग में तो एक ग्रीन जूस ज़रूर लो, ठीक है, करेले का ग्रीन जूस, करेले का रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, मेरा तो है ये, ठीक है, मेरा तो है ये, और लोगों का भी रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा। कल ही मेरी एक जने से बात हो रही थी तो उन्होंने करेले का बहुत गुणगान किया, कहते सर बहुत ही बढ़िया आपने बताया। तो इस तरह से करेले का ग्रीन जूस ज़रूर लो, नहीं तो पालक टमाटर का ग्रीन जूस लो। ठीक है, ये दो ग्रीन जूस में से एक आधा लो। ठीक है, सफ़ेद पेठे का भी जूस ले सकते हो। तो ये दो तीन ग्रीन जूसेज जो मॉर्निंग में लेना ही लेना है आपको। ठीक है, एनीमा आपको करना ही करना है शुरू इनिशियली जो है, और उसके बाद जो है आप फ्रूट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे जिसमें ज़्यादा पानी हो वो वाले फ्रूट खाओ मॉर्निंग में। ठीक है, और नहीं कोई दिक्कत है, ठीक है, तो फिर आप कोई और दूसरा फ्रूट भी आपको जो आपकी बॉडी को जो सूट कर रहा है, जो आपकी बॉडी को वो चीज़ें जो आपकी बॉडी खा के एकदम ईजी रहती है उसको ज़्यादा खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा खाओ मैं कहता हूँ। ठीक है, प्राकृतिक भोजन में जो भोजन आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, आपकी बॉडी जिसमें एकदम कंफर्टेबल है उसको ज़्यादा खाओ मैं कहता हूँ। ठीक है, लेकिन होना नेचुरल ही चाहिए, ऐसा नहीं कि उधर गुलाब जामुन खा रहे और आपकी बॉडी को सूट कर रहा तो उसी को ज़्यादा खा रहे। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है, मेरे कहने का अर्थ है प्राकृतिक चीज़ों में जो चीज़ें आपकी बॉडी को सूट कर रही है, आपकी बॉडी एकदम ईजी रह रही है उसमें, उसको खाओ। तो इस तरह से आप सबको ये सारी चीज़ें करनी है। कुछ और हीलिंग क्राइसिस लोगों ने लिखा था उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें जो कि इसमें होती ही होती हैं। तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली फ़ोन कर लिया करो, पर्सनली व्हाट्सअप कर दिया करो, ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं उसमें मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो पर्सनली व्हाट्सअप कर दिया करो मुझे। ठीक है, वो मैं देख लूँगा, आप मुझे फ़ोन कर लिया करो, ठीक है, कॉल कर लेंगे तो भी मैं आपको जो है उठा के आपको गाइड कर दूंगा, बता दूंगा। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूं, कुछ सिखा पाया हूं। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े जहां पे सभी लोग अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़े। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।